इंटरबैंक तबादला मार्केट में डॉलर का भाव मजीद 2.40 रुपए महंगा हुआ है। इंटरबैंक में आज कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 2.40 रुपए महंगा होकर 234.32 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में आज डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 239 रुपए का हो गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA ने इस्लामाबाद से चीन के लिए किरायों में फौरी कमी का ऐलान किया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक इस्लामाबाद से चीन के लिए किरायों में 10% कमी की गई है। तर्जुमान का कहना है कि PIA दफातर से टिकट लेने वाले तुलबा के लिए 22% रियायत का ऐलान किया गया है और तालिब इल्म अब 40 किलो के बजाय 80 किलो सामान साथ ले जा सकेंगे। तर्जुमान के मुताबिक PIA चीन के शहरों चंगडो और शयान के लिए हफ्तावार 2 परवाजें चला रही है। ख्याल रहे कि चीन में कोरोना पाबंदियों के 22 एयरलाइंस ने यकतरफा किराए बढ़ा दिए हैं। कौमी एयरलाइन PIA समेत दीगर एयरलाइंस की जानिब से किरायों में इजाफे से चीन जाने वाले पाकिस्तानी तुलबा मुश्किलात का शिकार हैं। तुलबा का कहना है कि PIA चीन का एक तरफा किराया 5 लाख रुपए तक वसूल कर रही है। टिकट महंगा मिलने के बाईस चीन जाने वाले तुलबा रुक गए हैं, जिससे उनका तालीमी नुकसान होने का खदशा है। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है पाकिस्तान में सस्ती बिजली बनाने की बुनियाद रखने जा रहे हैं। शमसी तवानाई से 60% सस्ती बिजली बनाई जा सकती है। शमसी तवानाई के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी कम होगी। मुल्क में बिजली बनाने के कारखाने लगाएंगे। बिजली की कीमतें कम करने का अमली इकदाम भी शुरू कर दिया है। नून लीग ने पहले भी नवाज शरीफ की क्यादत में तवानाई बहरान का खात्मा किया। आइंदा साल तक थरकोल मनसूबे का इफ्तिताह हो जाएगा। वफाकी वजीर तवानाई ने कहा कि अजाब हुमरानी की वजह से थरकोल मनसूबा 4 साल ताखिर का शिकार रहा। देहाती इलाकों में 1 से 4 मेगावाट के शमसी मंसूबे लगाएंगे। सरकारी इमारतों को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल करेंगे। किसानों को शमसी तवानाई पर चलने वाले ट्यूबवेल देंगे। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी शाहराओं पर US एड और खैबर पख्तूनख्वा रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के ताबून से 8 सैटेलाइट रेस्क्यू 1122 स्टेशन के क्याम पर काम शुरू कर दिया है। PDMA के मुताबिक रेस्क्यू स्टेशन बनों को हार्ट रोड, पिशावर, इस्लामाबाद मोटरवे और सवात मोटरवे समेत सूबे की दीगर बड़ी शाहराओं पर बनाए जाएंगे। PDMA के मुताबिक रेस्क्यू स्टेशन के क्याम से ट्रैफिक हादसात में जख्मी होने वाले लोगों की कीमती जानों को बचाना मुमकिन हो सकेगा। डायरेक्टर जनरल PDMA शरीफ हुसैन का कहना है कि तमाम रेस्क्यू स्टेशन के लिए मिनी एम्बुलेंस सर्विस और सोलर सिस्टम समेत तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू स्टेशन के मंसूबे पर 18 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आएगी, जबकि रेस्क्यू स्टेशन के कायम का मंसूबा दिसंबर 2022 तक मुकम्मल किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुतालबा किया है दिफाई इदारे के सरबरा की तकरीरी के लिए वजीर आजम का सवाब दे दी इख्तियार खत्म होना चाहिए। उनका कहना था कि दिफाई इदारे के सरबरा की तकरीरी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अपने बयान में कहा है कि PDM और PTI की सियासत इस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत है। उनका कहना था हुक्मरान जमाते दिफाई इदारों को सियासत के लिए इस्तेमाल न करें और इस्टेब्लिशमेंट भी सियासत से दूर रहे। उन्होंने कहा कि दिफाई इदारे के सरबरा की तकरीरी के लिए वजीर आजम का सवाब दे दी इख्तियार खत्म होना चाहिए। दिफाई इदारे के सरबरा की तकरीरी भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर होनी चाहिए। सिराजुल हक ने कहा कि जमात इस्लामी चाहती है कि इलेक्शन कमीशन और अदलिया मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार हों। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि जब ये तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 हलकों में जिमनी इंतखाब 16 अक्टूबर को कराने का इम्कान है। जराए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने मुतालिका हलकों में इलेक्शन की तैयारियों से मुतालिक हिदायत जारी कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन में होने वाले इजलास में कराची के हलका NA 246 से मुतालिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में इलेक्शन कमीशन को बताया गया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सिर्फ कराची की एक निशस्त का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की मर्दान, चारसदा, पिशावर, करम, फैसलाबाद, ननकाना साहब और कराची की खाली निशस्तों पर जिमनी इलेक्शन कराने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाब के पेश नजर सिक्योरिटी अफसरान की अदम दस्तियाबी के बाईस जिमनी इंतखाबात मुलतवी किए थे। ताहम ब्रीफिंग में इलेक्शन कमीशन को बताया गया कि 16 अक्टूबर तक कानून नाफिज करने वाले इदारे जिमनी इलेक्शन के लिए दस्तियाब होंगे।